एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफकोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड बेहद आपसे जो मोहब्बत करेंगे। सो हु इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ? सो यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफकोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हु इज डेफिनेटली कमिंग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? हु इज कमिंग टूअर्ड्स माई व्यूअर्स? वी डू हैव द स्प्रे, ये है द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास ब्लेसिंग्स, यहाँ पे है बाथिंग, ओके वी डू हैव डाइल्यूशन, यहाँ पे है हमारे पास ड्रॉपलेट, ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिस्टल। सो वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे मून का कार्ड है, यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे है मैजिशियन और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। हर एक कार्ड इंडिकेट करता है मेजर अरकाना को। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से मालूम चल रहा है कि आपके लाइफ में इस इंसान का आने से जो इम्पैक्ट होगा वो भारी मात्रा में होंगे। ये इंसान आपके लाइफ में डीपली, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करेंगे। ये इंसान आपको खुश रखने की बेहद कोशिश करेंगे। ये इंसान के पास, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर रियली ऑफ यू नो ऑफ अ डिग्निफाइड कैरेक्टर एंड ये इंसान को जो है अपना कर्सी जो है वो मेंटेन करना आता है। अगर ये किसी फंक्शंस में जाते हैं वो ऐसा नहीं सोचते कि नहीं मुझे इतना तक ही गिफ्ट देना है, इतना ही कम ही देना है, मतलब उनको अच्छा लगे तो वो बहुत कीमती गिफ्ट भी दे सकते हैं। एंड आई डू थिंक सो दैट दे विल नेवर फॉरगेट टू विश यू, ये कभी भी आपको विश करना नहीं भूलेंगे, चाहे वो आपकी एनिवर्सरी हो, चाहे उनके साथ आपका जो है फर्स्ट डे ऑफ मीटिंग हो, उसको याद रखने के साथ साथ हो सकता है आपका बर्थडे हो, वट एवर वे इट इज, दे हैव क्लोज फ्रेंड्स एंड दे लव वेल डेकोरेटेड एरियाज, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह जहाँ पे पूरी तरह से सजावट है उनको वो पसंद है। और हो सकता है कि आपको लग सकता है ये काफ़ी ड्रीमी कैरेक्टर है, काफ़ी इमेजिनेशन करते हैं। हाँ, ये तो ज़रूर करते हैं, इमेजिन करने के बिना ये तो प्लान्स नहीं कर सकते, राइट? सो दे आर क्वाइट अ ग्रेट प्लानर एंड कुछ लोगों के लिए इंसान मल्टीनेशनल कंपनीज में हो सकता है ये है। कुछ लोगों के लिए इनका स्वभाव कभी कभी बहुत ज़्यादा एडल्ट से भी ज़्यादा हो जाएगा, बहुत मैच्योर्ड, बहुत ज़्यादा, और कभी कभी बच्चों जैसा भी हरकत कर सकते हैं। दे समटाइम्स प्ले दैट कैरेक्टर। ये इंसान जो है आपके लाइफ में जब भी आएंगे तो आपके लाइफ में ना इम्पैक्ट कैसा होगा, असर कैसे होगा, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि आप देखेंगे कि ढेर सारा जो है आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं लेकिन बेहतर से बेहतरीन की तरफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनके आ जाने से आपका लॉस हो जाएगा, आपके आंखों से आंसू गिरेंगे या आपको टेंशन हो जाएगा या आपको हो सकता है कि पैनिक अटैक हो जाए, ये सब कुछ चीज़ नहीं होगा। आपको कभी भी इनका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इतना तक, ठीक है, ये बोल देंगे आपको कि देखो यहाँ पे मेरा काम बनता है तो ऑब्वियसली आई विल कॉल यू लेटर। तो ये अगर कुछ कहे हैं कॉल करेंगे तो ये करेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है कि बोले हैं कुछ और करेंगे कुछ और, नो दे आर नॉट दैट मच, ओके दे आर क्लेवर, दे आर इंटेलिजेंट, ठीक है, बट दे आर नॉट मिसलीडिंग, ये कभी भी आपको मिसलीड नहीं करेंगे। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ चीज़ ऑब्जर्व तो करते हैं लेकिन तुरंत हाइपर रिएक्शन नहीं देते, रिएक्शन कम देते हैं और इंसान अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। यहाँ पे लियो, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो, यहाँ पे पाइशिस या कैंसर, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो जेमिनाई एंड ओके आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंसान का एक स्वभाव हो सकता है काफ़ी जो एक लीडरशिप क्वालिटी है जो लोग इनमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखता है
और जब ये घर में रहते हैं या अपने माहौल में रहते हैं एकदम पूरी तरह से उसके साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं, दे आर क्वाइट यू नो एडजस्टेबल। ओके, ये ऐसा नहीं है कि अगर वो दूसरा भाषा है, दूसरे देश के लोग हैं, अगर उनके साथ उनको कम्युनिकेशन करना पड़े तो वो बाखूबी उसको निभाएंगे। दे कैन बी यू नो वर्किंग विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस हो सकता है इनका, इनका खुद का एक शॉप हो सकता है जो लग्जूरियस सामान बेचते हो, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान जो है आई डू थिंक सो दे कैन मेक, दे कैन बी इन द इंडस्ट्रीज लाइक कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, परफ्यूम मेकिंग उस तरह से हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इन द डेकोरेशन मे बी इंटीरियर मे बी, येस आई डू थिंक सो, कैन बी इन द केमिकल इंडस्ट्रीज वो भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे ये तक दिख रहा है दैट दे कैन बी, जैसा कंपनीज होते हैं जो लिक्विड इंडस्ट्री बेवरेज इंडस्ट्री बोला जाता है उनको, उसमें भी वो हो सकता है, ठीक है, जैसे पेप्सी कोका कोला उस तरह से कुछ, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी, ये इंसान जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर इन्होंने मतलब कुछ सपना देखा है तो ऐसा नहीं कि फिर इनएक्टिव हो जाएंगे, अरे चलो वो तो सपना है, वो तो सपने को पूरा करने की ज़रूर कोशिश ये करते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी, सो यूनिवर्स पर गाइड प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं उनको ढेर सारा प्यार करने के लिए। दे कैन बी यू नो योर लाइक लाइक जस्ट लाइक योर गार्जियन एंजल्स, और दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। यूनिवर्स हु इज डेफिनेटली कमिंग इन द लाइफ, ये इंसान आपको सिखाएंगे इतना सीरियसली लाइफ को नहीं लेने का, बट हाँ मज़े से रहो बस, उतना ही काफ़ी है, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को जो है टाइम दो, एंड डेफिनेटली डू नॉट पे अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ के ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वेरी कूल वाइब्रेशन, ठीक है, ऑरा बहुत कूल आ रहा है यहाँ पे। ये इंसान कोई ऐसे जगह पे भी रह सकते हैं या ब्लॉग्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं जहाँ पे जनरली कोल्ड रीजन हो, बहुत टेम्परेचर एकदम जीरो से अधिक नीचे चले जाता है। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे इनके कैरेक्टर आप खुद ही देख लो, दे आर वेरी यंग फ्रेश एनर्जेटिक, ठीक है, और ये इंसान जो है कभी भी इनका एनर्जी कम नहीं होता है। लोग जनरली क्या होता है ना, दे आर वेरी फिट, दे आर वेरी फिट। We do have the witch, the magician. We do have the ten of swords. यहाँ पे three of pentacles. यहाँ पे है the emperor. Magician भी यहाँ पे दोबारा है, three of swords and queen of wands. Okay, ten of cups. So I do think so कि इनके life में अगर आप बोलो कि up and down इन्होंने नहीं देखा है या series of transitions नहीं देखे है, बहुत ज़्यादा देखे हैं इनको, देखो इन्होंने बहुत एंडिंग देखा, फिर ऐसा है इनके लाइफ में बहुत परिवर्तन भी हुआ, इनको अधिक से अधिक पैसा भी मिला, मुनाफा भी कमाया, ठीक है, फेमस भी हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर इनके वजह से हुआ। ये इंसान खुद, ठीक है, लोगों को इंस्पिरेशन का जो है माध्यम बन जाते हैं, या ये खुद इंस्पायर्ड हो के बहुत बड़े काम कर ही लेते हैं, एंड दे आर ऑलवेज यू नो विलिंग टू बी द विनर्स, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, विनर बनना है इनको, हारना नहीं है, एंड डेफिनेटली दे वॉन्ट नेवर, दे डेफिनेटली नेवर वॉन्ट टू लूज द गेम। हाँ अगर हार और जीत है ही, लेकिन फिर भी जंग के मैदान पे क्विट करना इन्होंने नहीं सीखा है, इसलिए दे आर ऑलवेज ओके बॉर्न टू बी लीडर्स, बॉर्न टू बी रूलिंग पीपल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इंसान ने इतना कठिनाई देखा है कि बहुत दिन ऐसा भी हुआ कि इनको भूखा भी रहना पड़ा, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं था, बट हाँ काम के वजह से इन्होंने सबसे ज़्यादा अटेंशन जो दिया है अपने लाइफ में वो है करियर, ठीक है, बिकॉज दे हैड द स्किल्स टैलेंट, ठीक है, रिसोर्सेस, आउटसोर्सिंग भी ये करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आउटसोर्सिंग करते हो,
कुछ लोगों के लिए एचआर फील्ड में ही है, दैट्स व्हाई आई टोल आउटसोर्सिंग. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दे आर द मैनेजर ऑफ द यू नो गुड ऑर्गेनाइजेशंस, जो अच्छा वेल पेड जॉब्स और साथ साथ एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज भी देते हैं. दे आर यू नो एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई ऐप डेवलप किया और बहुत फेमस हुए. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपने फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं, ठीक है, और ये जनरली हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं. ये आपको भी कुछ ऐसे ही सलाह देंगे कि भले ही आप कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करो, भले ही आप कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए, लेकिन वो इंस्पिरेशन कि नहीं मुझे फिर से बनाना है, कम बैक का जो जो बोला जाता है ना कि सेटबैक का जवाब कम बैक से देते हैं. हो सकता है गलती, हो सकता है लोगों से मिस्टेक्स, लेकिन क्या होता है ना, दे आर लाइक दैट ओनली, दे ऑलवेज ट्राई टू कम बैक फ्रॉम द बैड सिचुएशन. ये इंसान देखने में बहुत ज़्यादा, अगर फीमेल के लिए देख रहे हो, दे कैन बी लाइक यू नो हैविंग लॉन्ग हेयर और शोल्डर लेंथ हेयर विद लिटिल बिट ऑफ कर्ल्स हो सकता है. फॉर मेल दे कैन बी रियली स्टाइलिश, ठीक है, एंड दे उनका जो आउटफिट्स है या उनके जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है काफ़ी अल्ट्रा मॉडर्न हो जाता है. कुछ लोगों के लिए कम्प्लेक्शन ब्रिटिश टू ब्राउन कम्प्लेक्शन है. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है दे लव पेट्स, उनको पेट्स बहुत पसंद है. कुछ लोगों के लिए दे कैन बी हीलर्स, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उस तरह से हो सकता है टैरो, वट एवर. दे कैन बी इन एज वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्था के लिए भी हो सकता है, आप भी हो सकता है धार्मिक संस्था के लिए काम करते हो और दोनों वहाँ पे आप मिलेंगे. यू कैन मीट एट द रिलीजियस प्लेस. कुछ लोगों के लिए आपके बॉस है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही मोटिवेट करने वाले हैं. दे कैन बी मीटिंग एट द, हो सकता है कि कुछ मतलब कोई बच्चे का जो है आपका जो मिला है बर्थडे पार्टी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा है, उन्होंने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाया है और आपको भी बुलाया है, सो आप उनसे वहाँ पे मिल सकते हैं कुछ तरह इस तरह से, या एंगेजमेंट पार्टीज इस तरह से मुझे दिख रहा है. वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. इनिशियल्स से हमें और भी पता चल जाता है. सो लेट्स सी यूनिवर्स विल गाइड, प्लीज गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑफकोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. ओके, वी डू हैव एच एम यू नोरा 174 can be important numbers. Okay, L E G K T N D E. कुछ लोगों के लिए seriously कुछ ऐसे चीज़ों का एंड हो जाना, द एंड हो जाना और फिर शुरुआत होना. ओके, सन आ रहा है SUN, सो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट दे कैन बी योर सोलमेट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन बी योर सोलमेट. ओके, दे कैन बी योर फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड. ओके, फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है. लाइफ पाथ नंबर 147, या डेट ऑफ बर्थ 17, 14. ओके, एंड कैन बी द मंथ ऑफ लाइक जुलाई, अप्रैल, जनवरी. ओके, मे, नवंबर, अगस्त कैन बी इम्पोर्टेंट. ओके, दे कैन बी योर एक्स ऑल्सो. ओके, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, दे कैन बी मेकअप आर्टिस्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.